आप हैं कुसुमलाल महतो, पैक्स अध्यक्ष महेश्वा पंचायत से। लगातार दो टर्म से आप पैक्स अध्यक्ष बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो है किसानों के लेकर के आप क्या कुछ अपना भूमिका निभाए हैं, चाहे अधिप्राप्ति की बात करें या जन वितरण विक्रेता प्रणाली में लाभार्थी की बात करें, ये सब क्षेत्र में क्या कुछ आप कार्य कर रहे हैं? धान खरीद तो किए हैं, किसान को भी लाभ दिए हैं। धान अधिप्राप्ति किए हैं, कितना लक्ष्य दिया गया था इस बार पंचायत को? कते लाख के धान के अधिग्रहण के रहे? 2 लाख धान खरीदे हैं। तो धान अधिप्राप्ति के समय आपके महेश्वा पंचायत को 2 लाख का लक्ष्य दिया गया था, किसान का धान अधिप्राप्ति किया? जी। धान अधिप्राप्ति किया? हाँ। नहीं समझे। धाप्ति किए थे आप? जी। समय से किसानों को भुगतान कर दिया एकदम, सीएमआर वगैरह सब कुछ? जी। अच्छा, सब पेमेंट हो गया। हाँ, आपके पैक्स में जो है किस तरह की समस्या है मौजूदा समय में? समस्या अभी यही है, खाद का लाइसेंस जो नहीं बना है जी, इसलिए समस्या है, और कोई समस्या नहीं है, जन बढ़िया से चल रहा है। कितने एमटी का गोदाम आपके यहाँ है? जी। कितने एमटी का गोदाम है? 200 एमटी। 200 एमटी का मात्र है, पर्याप्त है? पर्याप्त तो नहीं है। हाँ, थोड़ा दिक्कत है, गोदाम खरीदेंगे। हाँ। बनाएंगे। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप अधिप्राप्ति कर रहे थे, आपके जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे डीसीओ साहब हो, बीसीओ साहब हो, उन लोगों द्वारा पंचायत का निरीक्षण किया गया? जी, निरीक्षण तो किया गया। निरीक्षण किया जाता है। किसान आपसे खुश है? जी। क्या कारण रहा है कि आप दूसरी बार यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष के रूप में जीत सुनिश्चित की इस पंचायत से? आपके कार्य से यहाँ के किसान खुश है? जी। जन वितरण विक्रेता प्रणाली भी आप हैं? जी। कितने लाभुक हैं अपने यहाँ? आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 18 वार्ड। 18 वार्ड के किसान जो है आपसे जुड़े हुए हैं? जी, सब। सबों को लाभ मिल रहा है? जी। इस बार जो आपको लक्ष्य दिया गया था, वो लक्ष्य पर्याप्त था आपके पंचायत के लिए? जी। था, कम था सर। कम था। बाद में एससीसी कराने के लिए तो टाइम ओवर हो गया। लक्ष्य कम दिया गया तो बीसीओ डीसीओ से शिकायत नहीं किया? दिए, लास्ट में दिए। यहाँ सब किसान जो है ना, बहुत किसान ऐसा है जो कि बाजार में बेच देते हैं। चलिए, आपका पंचायत तो बहुत बड़ा है, आपके पंचायत में खाद लेना पड़ता है, इसीलिए उन्हें पौने दाम में बेच देता है। जो किसान के पास समय है वो अपना रखते हैं, टैक्स में बेचते हैं। अच्छा, आपका पंचायत तो बड़ा है कि आपके पंचायत में राइस मिल है? राइस मिल कहाँ धान देते हैं तब? पिपरा से पश्चिम है, सतुआ पड़ता, उसी के मिल में। क्या चाहेंगे ना कि आपके पंचायत में भी राइस मिल का? जी, तो चाहिए सर। बिल्कुल। क्या कारण है कि पैक्स में किसान गेहूं देना नहीं चाहते हैं? गेहूं सर, जैसे पैक्स का रेट 2200 कितना होता है, 2400 रुपये बिक रहा था मार्केट में, तो क्या सुधार करने की जरूरत है पैक्स में? पैक्स में किस तरह का सुधार चाहते हैं सरकार के द्वारा, किस तरह के सुधार करने की जरूरत है? भाई, गेहूं खरीदने के लिए रेट चाहिए। ट्रैक्टर दिया जाता है जैसा, जैसा आपको मिला है पैक्स के द्वारा? ट्रैक्टर जी नहीं, हमको नहीं मिला। जन वितरण प्रणाली भी है? क्या यहाँ के लोगों को सरकार के द्वारा जो 5 किलो अनाज दिया जाता है, वो 5 केजी अनाज दिया जाता है, कटा नहीं जाता है? धान अधिप्राप्ति में जो सरकार के द्वारा किसानों को उसका रेट दिया जाता है, उससे किसान संतुष्ट है कि उसमें कुछ? मार्केट रेट से तो इस बार लग रहा था कि कम है, बहुत सारे किसान रेट तो कम ही था, हम लोग के यहाँ रेट ज्यादा था, इसलिए कि किसान को पैसा मिला बढ़िया। अच्छा, किसान खुश है। अपने यहाँ मक्का का भी उत्पादन होता है, लेकिन मक्का पैक्स में तो नहीं होता है, बहुत कम होता है, 1-8% होता है बस। आप समझिए, हमारे लक्ष्मीपुर भाग में 1 आदमी मक्के की खेती करता है। अच्छा, मक्का कम होता है। महेश्वा और तरफ जो है कुछ कुछ किसान करते हैं मक्के का। महेश्वा पंचायत के जितने भी किसान सर आपसे जुड़े हुए हैं,
ये कहिए कि खाद कहाँ से लाते हैं, आपके पास लाइसेंस रद्द हो चुका है और खाद बीज कहाँ से लाते हैं? खाद जो है त्रिवेणीगंज से भी मंगाते हैं किसान यहाँ का, और पिपरा जो पैक्स अध्यक्ष है प्रदीप यादव, उसके यहाँ से भी खाद मिल जाता है। कब तक महेश्वर पंचायत में कहा जाए कि खाद वाला लाइसेंस आपको कब तक मिल जाएगा? लाइसेंस के लिए तो हम अप्लाई किए हुए हैं 2009 में, जो खाद बेचे ना भरपूर खाद बेचे, वही खाद लेके किसान अभी तक खुश है। अब आप लोगों का आगामी नवंबर माह में चुनाव भी होना है, चुनाव लड़िएगा, नवंबर में आप लोगों का चुनाव भी होना है पैक्स का, चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप, क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में आप जीत सुनिश्चित करेंगे? जी होना तो चाहिए सर, किसानों का जो सेवा किया उसका फल मिलेगा इस बार मिलेगा। तो अंत में आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, इस मीडिया के माध्यम से सुपौल जिला अधिकारी हो या बिहार सरकार, उन लोगों से क्या कुछ मांग करेंगे पैक्स को लेकर के? पैक्स के लिए सर, हाँ क्या कुछ मांग कीजिएगा? पैक्स के लिए तो यही एक गोदाम के लिए, कितने एमटी का गोदाम का मांग करते हैं अपने पंचायत में? 500 या 1000 एमटी बनेंगे, 1000 एमटी का गोदाम यहाँ चाहिए। हाँ आगे आगे और क्या मांग है? आगे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, स्कीम है कि नहीं है पता नहीं, नए पुराने कितने ऐसे किसान हैं जो आपके पैक्स से जुड़े हुए हैं अनुमानित होते हैं? हमारे पैक्स से करीब 2700 किसान जो है जुड़े हुए। टोटल मेंबर कितने हैं? 2700 26 सदस्य हैं। परस्पर सभी सदस्य का सहयोग मिलता है आपको, मिल रहा है क्या? वैसे तो सर पार्टी मतलब खड़ा होता है तो मतलब कोई बातें नहीं है, कोई उसके पास कोई इसके पास, तो ये आपका भरपूर सहयोग है हमारे पास। अभी जन वितरण प्रणाली जैसे चल रहा है ना, सब खुश। जन वितरण विक्रेता प्रणाली से नहीं संतुष्ट है? जन वितरण विक्रेता प्रणाली है, संतुष्ट नहीं है? बहुत संतुष्ट है, इसीलिए तो हम जितबो कर। आपका कोसी विस्थापित इलाका है यहाँ पे, हालांकि पैदावार तो किसान का अच्छा होता है लेकिन उस अनुकूल आपको लक्ष्य नहीं दिया जाता है, कितनी लक्ष्य की मांग करते हैं अपने पंचायत में आप प्रतिवर्ष? लक्ष्य तो यही 8-10 में, वैसे तो सब किसान सर बेचता नहीं है, बहुत किसान जो है सस्ते भाव में बेच के अपना खाद मंगा लेता है। आपका परिचय? मेरा परिचय कुसुमलाल महतो, वार्ड नंबर 2, नेसवा पैक्स अध्यक्ष प्रखंड।